और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई चर्चा करने की आज जरूरत है। अमरजीत सारी बात बता गया, 4 साल भी नहीं हुए राज में हिस्सेदारी के बाद जुलाना की तस्वीर कैसे बदली। काम काम की चीज पड़ गया, ये नहीं बता के गया 280 पहले और 25 करोड़ फिर 305 करोड़ रुपए तो सड़कों सड़कों के हल्के मिले। जो फ्लड की सिचुएशन रहती थी हल्के में, मुझे याद है जब भी यहां से निकले थोड़ी सी बारिश हो जाए, ये नेलो के टाइम पे प्रताप सिंह जी प्रधान होया करते थे, ये यूं रोक लेते थे कि देखो जी बाढ़ आ गई। पिछले 4 दिनों में दूसरी बार इस हाईवे पे आया हूं और एक खेत ऐसा नहीं है, 110 पता नहीं 120 करोड़ लगे सरकार के, लगभग पूरे हल्के में जहां पानी खड़ा होया करता था वहां पाइपलाइन डली, पंपिंग सेट लगे, और आज किसान की जमीन जहां खेती नहीं होती थी वो मेरे ख्याल से सबसे खेती लायक जमीन आज हरियाणा में हमने बनाने का काम किया। जहां नेशनल हाईवे की बात है, देखो सड़कें आती है विकास आता है और लाभ भी देखने को मिला, और अब हमने ही भूमि पे खटखट डाला है। मैं तो अमरजीत को कह के थक गया कि गांव वालों की सहमति करवाओ, और अगर हमें 501 एकड़ जुलाना में दे दे इकट्ठे करके, सरकार खरीदेगी कलेक्टरेट से ऊपर खरीदेगी, एक्विजिशन वाला काम हमने ना किया ना करेंगे, किसान की सहमति से खरीदेंगे। 501 किले ला दे पवन के हल्के में, खरखोदा में IMT था, खाली पड़ा था, मुश्किल से मारुति मानी, मारुति को लेके आए, फैक्ट्री भी आ रही है मारुति की, और जमीन जो 25-30 लाख रुपए किला थी आज वो 10 करोड़ रुपए किला बिक रही है। तो इस हाईवे के पास जहां भी जमीन दिलवा पाओ, गांव की सहमति हो, हम ई भूमि पे डलवा देंगे और ई भूमि पे डलवा कर खरीदने का काम करेंगे, फैक्ट्रियां लगवाएंगे। और आपके तो हल्के को हमने पद्मा में भी डाला है, 500 ना हो तो 100 दे दो, छोटा इंडस्ट्रियल पार्क बना दूंगा, और जो सबसे ज्यादा जुलाना में काम चल रहा है जिसके अंदर ट्रक की बॉडी बनाते हो, मेरे ख्याल से देश में सबसे ज्यादा ट्रक यहीं बन के जाते हो, अगर दे दोगे तो इस हाईवे पे 100 किले भी करा के दे दोगे इकट्ठे, तो हम उसको तुरंत लेके एक पद्मा का छोटा पार्क बना देंगे कि रोजगार के बड़े साधन आपके बीच में आने का काम। जहां पीने के पाइपलाइन की बात है, मैंने अभी SC से भी चेक करवा लिया, एस्टिमेट बन गया है और जल्द इसकी मंजूरी दे देंगे कि आपके यहां पर जो अपने माइनर है उससे पीने के पानी के लिए पाइपलाइन गांव की टैंकी तक आ जाए, जिससे गांव में मेरी माता है, बहने भी मेरे को भी कह के गई कि पीने के पानी की जो दिक्कत है उस समस्या से निजात दिलाई जाए। जहां स्कूल के कोई 5 कमरे खंडर हुए हैं, मैंने अमरजीत को बता भी दिया कि प्रिंसिपल के लेटर पैड से एजुकेशन विभाग में लिखित भिजवा दो, और कमरे कमरे मत भिजवाओ, कभी मौका मिले बुढ़ैन का स्कूल देख के आना, उन लोगों ने जैसे आपके इंटरलॉकिंग बिछी हुई है इस तरीके से, जितना ये टेंट आज लगाया है इससे बड़ा एक शेड बनवा लिया, और उस शेड का फायदा ये है बारिश हो तो भी बच्चे गीले नहीं होते प्रेयर टाइम, और साथ में जो नए कमरे बनाने हैं, और कमरों के साथ साथ मैंने अभी नोटिस किया गांव के स्कूल में सोलर नहीं है, अब सारे स्कूलों में हम सोलर दे रहे हैं, कंप्यूटर दिन में तो चलते नहीं क्योंकि बिजली कट जाती है, तो उस कारण स्कूलों में सोलर लगाए जा रहे हैं। तो इन तीनों चीजों का एक ही प्रस्ताव बनवा के जितनी जल्दी चंडीगढ़ ले आओगे उतनी जल्दी हम मंजूरी दे देंगे कि स्कूल में शेड भी बन जाए। जहां आपके गौ घाट की बात, मैं सरपंच साहब को कहूंगा 4 चीजों पे तुरंत मेरे को लिखित में भिजवाए एस्टिमेट के साथ, SDM साहब आप भी नोट कर लेना। पहला, गांव की जो फिरनी 15 साल पुरानी है, HRDF में फिरनी बनाने का प्रावधान रखा गया, प्राथमिक तौर पे फिरनी का
उसके साथ शिव धाम योजना में शमशान घाट कब्रिस्तान की चार दीवारी, उसको जाने तक के सारे रास्ते, पीने के पानी की व्यवस्था और शेड के साथ एक कमरा बैठने के लिए, ये पूरे हरियाणा में 400 करोड़ रुपया इस साल हमने रखा है शिव धाम योजना में। जितनी जल्दी इसके एस्टिमेट बनाओगे उतनी जल्दी इसका अप्रूवल हम देकर भेजेंगे। तीसरा, व्यायामशाला का, खेल का ग्राउंड मांगते गांव में, व्यायामशाला सरकार दे रही है और लगभग 1000 गांव में तो हमारी व्यायामशाला बन के कंप्लीट भी होगी। जो बचे गांव है वहां जितनी जल्दी प्रस्ताव आएगा उतनी जल्दी व्यायामशाला को भी अप्रूवल देंगे। और जो हमारे तालाब है उन तालाबों की सफाई अमृत सरोवर योजना के तहत, और वहां पर गऊ घाट की सुविधा, ये चारों चीजों का एस्टिमेट जितनी जल्दी विधायक जी बना के भेजोगे उतनी जल्दी अप्रूवल दिलाना मेरा काम है, ग्रांट हम उसकी भिजवाने का काम करें। जो आपके ये खेतों के रास्ते हैं मैं पहले बता दूं, पहला गांव है बिरमरजीत कंजूसी कर जाएगा। अब हर विधायक को 25 किलोमीटर दे दिए हमने, और दे भी ये सीमेंट वाली इंटरलॉकिंग टाइल होती है इसके दे दिए, तो 25 किलोमीटर अब इसके हाथ में, जिसका लिख के भेजेगा उसकी सड़क बन जाएगी, अगर छोड़ दिया तो जिम्मेवार ये है थारा। अब अमरजीत को घेर लियो कि जल्दी से जल्दी उस 25 किलोमीटर में आपके गांव के खेतों के रास्ते भी लिखित में भेज दे। मैं इसलिए बोल रहा हूं पहला, क्योंकि अभी वीडियो जाओगी, और वीडियो जाओगी फिर सारे सुनेंगे, और कल सुबह एचरी पे आ लेंगे मेरा नाम भेज मेरा भेज। तो इससे पहले आज ही घेर के इसने प्रति दे दो, और अच्छा किया आपके गांव से शुरुआत करा दी कि मैं बता पाया हूं। जहां आपके ये गांव की चार क्रम की सड़क है, अब हमने जिला परिषद को परमिशन दे दी चार क्रम की सड़कें बनाने की। जिला परिषद सदस्य ना हो तो कुलदीप चेयरमैन की मैं ड्यूटी लगा दूंगा, पवन तेरी और कुलदीप की ड्यूटी है, लिखित में पहले दे दो, चार क्रम के रास्ते सारे जिला परिषद के हाथ में आ गए। तो इसके अंदर तो ना मेरा बस है अब, ना सरपंच का बस है, ना विधायक का बस है, ये करने हैं तो जिला परिषद ने करने। अब जितनी जल्दी हाउस में रेजोल्यूशन करोगे उतनी जल्दी इसके पैसे आपको मिल जाएंगे। कई चीजें और थी साथियों, एक और पर तो पार्टी संगठन की मजबूती की बात है। मैं एक चीज आपको बता दू, जुलाना हो, उचाणा हो, नारनौंद हो, नरवाणा हो, बरवाड़ा हो, टवाणा हो, अपने हल्के थे जिनने ये विश्वास किया कि राज में हिस्सेदारी डलेगी, और 11 महीनों की मेहनत में हम 10 विधायक और 17% वोट ले आए। आज राज में आपकी हिस्सेदारी है तो जुलाना सब डिवीजन बनी नहीं बनी, किसान के खाते में पैसे दो दिन में आते ही नहीं आते, मंडी में लाइन लगी देखी कभी, जाओ अनाज गेड़ के आ जाओ। आज तो आड़ती इंतजार करता है किसान का फोन ना आए तो खुद किसान के पास जाके भी तेरा अनाज ले आ। ये व्यवस्था बनी कैसे, आज महिलाओं को पंचायतों में 50% हिस्सेदारी मिली है, राशन डिपो में हर तीसरा डिपो इनके नाम होगा, ये मुमकिन हुआ कैसे, क्योंकि आपकी राज में हिस्सेदारी। और आज बता देता हूं, मैं रिकॉर्ड देख रहा था एक दिन, जुलाड़ा का जो आज क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्रफल में जब से हरियाणा बना और आज तक सड़कों में ग्राम विकास में जितना पैसा खर्च हुआ है उतना अकेला इस टेन्योर में आपके 4.5 साल में हमने खर्चने का काम किया। ये मुमकिन इसलिए हो पाया कि राज्य में हिस्सेदारी है। कई लोग आएंगे भ्रम फैलाएंगे, किसान आंदोलन में नहीं बोला करते थे जेजेपी तो खत्म होगी, कहते थे नहीं कहते थे, ये भीड़ देख लो, अगर खत्म हुई होती तो क्या आज आप लोग बैठे होते। हमने अच्छे काम करे, गांव विकास के काम करे, इसीलिए आज जनता का प्यार साथ पहले से बड़ा है। और मैं ये विश्वास के साथ कह देता हूं कि हमारा एक उद्देश्य था, अभी बैठे बैठे कह रहे थे ई लाइब्रेरी दे देना जी,
ई लाइब्रेरी जैसी सोच गांव में गली नाली से ऊपर सोच के आई, तो इसलिए आई क्योंकि आप राज में हो और राज में आपकी बात सुन के रखी जाती कि गांव के छोरे छोरियों की पढ़ाई के लिए भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बनाना जरूरी है। अभी अमरजीत बात बात में बात भूल गया, गांव की हमारी टीम स्टेट खेल की आई, स्कूल की आई ना कबड्डी की, ना सरपंच ने रखी ना अमरजीत ने रखी बात। अभी टीम वाले युवा साथियों को कहना चाहूंगा ये भूल सकते हैं, चलो मेरी बहनों को कह दूंगा वो भी तो युवा है, ये दोनों तो भूल सकते हैं, मगर ये मेरा वादा है आपके यहाँ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि धीरे धीरे अपने जो टूर्नामेंट हो रहे हैं मिट्टी के तो बचे नहीं, सारे मैट पे आ गए, और मैट पे आने से युवा साथियों को कहीं ना कहीं मिट्टी और मैट के अंतर में कई बार हार जीत का जो अंतर होता है वो झेलना पड़ जाता है। और हमने प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा हम नर्सरियां खुलवाए, जिस गांव से भी नर्सरी की कोई आती है रिकमेंडेशन उसको प्राथमिक तौर पे हम देने का काम करते हैं। और मैं आज भी कह देता हूं हमारी इन बहनों को कि अगले 15 दिन में आपके गांव में भी मैट के लिए ग्रांट भिजवाने का हम काम करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी रेगुलर चलती रहे। मेरी तो अब आप सबसे यही प्रार्थना है कि दो मुहिम जो पार्टी की चल रही है, पहली चुनरी चौपाल के माध्यम से श्रीमती नैना चौटाला जी ने जो शुरू करी है वो है कि हर बूथ पे एक महिला सखी बनाकर पार्टी संगठन में महिलाओं की ताकत को और बढ़ाने का काम है। और मैं उसके लिए आग्रह करूंगा कि आप सबकी जिम्मेवारी है कि लग के हर बूथ पे एक माता बहन बूथ पे जोड़ दो, जो हमारी शीला चैन जी की महिला अध्यक्ष की जो टीम है उसको ताकत दे दे, उसको मजबूती दे दे कि वो और मेहनत से आगे बढ़ पाए। वही दूसरी ओर जो 18 से 25 साल के छोरे छोरी है आज वोटों की ताकत है, मैं अभी प्रताप जी से पूछ रहा था बैठा बैठा, मैं कौन से सन में चौधरी देवीलाल जी के नारे लगाए, कहने लगे 1970 में नारा लगाया था, मैं कौन सी क्लास में थे, क्या 8वीं में था, मैं कितने साल के थे, क्या 14-15 का होगा। अगर 14-15 साल की उम्र का युवा नारे लगाने लग जाता है तो आज 65+ हो लिए 68 के हो लिए, खुद देख लो पिछले 50 सालों से संगठन को ताकत दे रहे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो बूथ योद्धा शुरू किया है ये 18 से 25 साल वाले नारे लगाने लग जाएंगे तो इसी प्रकार से अगले 50 साल नारे लगाएंगे, मगर उसको और मजबूती कौन देगा, गांव के हमारे सीनियर साथी देंगे जो जोड़ेंगे। ये कांग्रेसी बारी बारी कह देते हैं इनकी युवाओं का टोल है वानर सेना है, और अब तो ये मानसिक हालत होगी कहते जिसने जेजेपी को वोट दिया वो राक्षस है। मैं तो एक चीज कह सकता हूं वानर सेना चल जाएगी, मगर इस वानर सेना को इकट्ठा होकर आगे बढ़ना पड़ेगा और कांग्रेस की लंका के आग भी लगानी पड़ेगी। और ये मुमकिन जब होगा जब आप सारे साथी मैदान में उतरकर, 6800 गांव है ये सोचोगे दुष्यंत हांडले का अकेला मुमकिन नहीं है, एक दिन में दो हल्के भी करूंगा 6-7 गांव होंगे, मगर अगर आप सब मैदान में उतर गए तो जुलाना का असर किस पे दिखता है, जुलाना का असर गुआने पे भी दिखेगा, बरोदे पे भी दिखेगा, मैम पे भी दिखेगा और सफीदों में भी दिखेगा। और जब हम यूं अपनी ताकत बढ़ा लेंगे तो अपने आप है कि पार्टी संगठन की ताकत को और बढ़ाने का काम करेंगे। और ये गारंटी है उचाणा वाले नारनौंद वाले तो मेहनत ऐसी ही रखेंगे, जुलाना वाले और शुरू करते हो बीच में जींद को भी घेर लेंगे, उसने भी काट के देंगे तो डॉक्टर साहब पिछली बार भी कसर थोड़ी सी रह गई थी, अगर जींद वालों के समझ आ जाता कि राज बनेगा तो जो वोटों का अंतर था वो भी पूरा करके राज में हिस्सेदारी देते, मगर आज से मैदान में उतरना पड़ेगा। और मेरी माता और बहनों को कहूंगा आपकी तो चूल्हे तक की पहुंच है, 50% वोट आपके है, चूल्हे पे जाके वोट जोड़ने लग जाओगे और नई
महिला कार्यकर्ता पार्टी में बनाओगे तो जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का सपना है 40% वोट पे पार्टी को लाने का, उसमें सबसे बड़ा सूत्रधार कोई होगा तो मेरी माताएं बहने होगी उस मुहिम में। मैं तो इसी के साथ सभी कसोला वासियों का आभार प्रकट करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि सभी साथी इसी प्रकार से मेहनत लगन के साथ पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। आप सभी आए पूर्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।